वैसे सही बात तो ये है कि वैष्णव मताब्ज भास्कर केवल श्री रामानंदीय वैष्णवों के लिए ही नहीं अपितु वैष्णव मात्र के लिए अत्यंत उपयोगी है। आचार्य चरण का सिद्धांत, उनकी उदारता, और रामानंदीय वैष्णवों को तो कंठस्थ ही होनी चाहिए। बहुत दिव्य ग्रंथ है, लोग प्रायः कम लोग जानते हैं। तो अभी तक जो वैष्णव मताब्ज भास्कर के क्रम में दास ने चर्चा की है, उसमें मंगलाचरण के पश्चात जीव तत्व का निरूपण, प्रकृति तत्व का निरूपण और ब्रह्म तत्व का निरूपण, ये प्रकृति तत्व, जीव तत्व इसका निरूपण और ब्रह्म तत्व का निरूपण विशिष्ट रूप में, और ब्रह्म तत्व के निरूपण के साथ फिर मंत्रार्थ का प्रकरण आरंभ हुआ। उसमें श्री षडक्षर श्री राम तारक मंत्रराज का भाव, आचार्य चरण के शब्दों में मंत्रार्थ की चर्चा हो चुकी है, मंत्रद्वय की भी चर्चा हो चुकी है। मंत्रद्वय माने मूल मंत्र के तो उच्चारण की विधि नहीं है, और मंत्रार्थ मंत्रद्वय का अर्थ है श्रीमते रामचंद्राय नमः, श्रीमद रामचंद्र चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते रामचंद्राय नमः, इन्हें मंत्रद्वय कहते हैं। तो मंत्रद्वय का प्रकरण भी हो चुका है और चरम मंत्र का प्रकरण भी हो चुका है। चरम मंत्र का अर्थ है सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम् सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम् मम। ये मंत्रार्थ का प्रकरण भगवत कृपा से संपन्न हुआ और मंत्रार्थ के शिष्य की परीक्षा करके गुरु जी को मंत्रोपदेश करना चाहिए, इस विषय का स्मरण हो चुका है। आज 63वें श्लोक से आज की चर्चा का आरंभ होना है, तो बिना किसी भूमिका के, क्योंकि समय अपने पास बहुत कम है, तो उसकी चर्चा हम कर रहे हैं यथामति यथा समय। सावधान होकर के श्रवण करें, ये सैद्धांतिक चर्चा है। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। ये श्लोक हो चुका है। तथोर्ध्वपुंड्रम, इस श्लोक की चर्चा होनी है। तथोर्ध्वपुंड्रम सुमृदा विधाय वै रामादि दास्यांतमथो समुच्चरेत मंत्रं तथैवोपदिशेत विधानतो मालां वरां तां तुलसी समुद्भवाम। श्री आचार्य चरण अनुग्रह कर रहे हैं, अथो विधानतः वै सुमृदा ऊर्ध्वपुंड्रम विधाय, शास्त्रीय विधि का समादर करते हुए पवित्र उत्तम तीर्थ मृत्तिका से ऊर्ध्वपुंड्र की रचना करे, ऊर्ध्वपुंड्र धारण करावे। ऊर्ध्वपुंड्रम मृदा कुर्यात् भस्मनातु त्रिपुंड्रकम्,
ऐसा शास्त्र वचन है। ऊर्ध पुण्ड्रम मृदा कुर्या, ऊर्ध पुण्ड्र पवित्र तीर्थ की मृतिका से ही धारण करना चाहिए। श्री अवध की रज, श्री चित्रकूट की रज, श्री मिथिला की रज, श्री वृंदावन की रज, श्री मलयकूट पर्वत की रज, अथवा श्री गोपी चंदन अथवा श्वेत चंदन, जो भी गुरुजन आज्ञा कर दें उसके अनुसार मस्तक पर श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक ऊर्ध्वपुंड धारण करना चाहिए। हमको देख के कई लोग वो बाजार से गौ छाप रंग, वो रंग वाला ले आते हैं, उसी को घोल के लगाते हैं, पर दास जो धारण करता है मस्तक पर, उसमें हम मृदा का प्रयोग आवश्यक रूप से करते हैं। भगवान की सेवा होती है तो भगवान का प्रसादी चंदन रहता है तो उसको भी धारण करना है, तो गोपी चंदन या श्वेत चंदन के साथ उसको घिस करके हथेली पर मृदा युक्त जो भगवत प्रसाद चंदन है उस चंदन से हम मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड धारण करते हैं। तो बहुत से लोग देखा देखी क्या करते हैं कि वो महाराजा चंदन कौन सा चंदन आता उसी को घोल घाल के लगा लेते हैं। नहीं, श्वेत चंदन से अथवा गोपी चंदन से ही मस्तक पर तिलक धारण करना चाहिए। भगवत प्रसाद युक्त चंदन भी श्रेष्ठ है, पर ऊर्ध पुण्ड्रम मृदाधार्यम, और आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं तथोर्ध पुण्ड्रम सुमृदा विधाय वै, मृतिका से ऊर्ध पुण्ड्र धारण करे। ऊर्ध पुण्ड्र का प्रयोजन क्या है? तीन मार्ग हैं, एक है धूम्र मार्ग, एक है तमो मार्ग और एक है अर्चिरादि मार्ग। धूम्र मार्ग है सकाम कर्मानुष्ठान का मार्ग, यज्ञादि का मार्ग, उस कर्मकांड का आश्रय लेकर के हम स्वर्गादि लोकों तक जाते हैं और क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति, पुण्य क्षीण होने पर धरती पर आना पड़ता है, वो है धूम्र मार्ग। देहगेह में आसक्त विषयी पामर जीव पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसी चक्र में पड़े रहते हैं, नरक आदि के चक्र लगाते हैं, 84 के चक्र में पड़ते हैं, वो तमो मार्ग है देहगेह में आसक्त पुरुषों का। और विशुद्ध भगवत भक्ति का, भगवत शरणागति का, भगवत प्रेम का, भगवत तत्व के ज्ञान का जो मार्ग है वो अर्चिरादि मार्ग है। भगवत प्राप्ति का जो पथ है उसको अर्चिरादि मार्ग कहा गया। जिस मार्ग में जाने के बाद फिर जीव लौट कर संसार में नहीं आता, न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते, ऐसा श्रुति भगवती ने कहा है। तो अर्चिरादि मार्ग के द्वारा आवागमन से रहित भगवान का त्रिपाद विभूति जो नित्य साकेत है, अथवा श्री वैकुंठ है, अथवा श्री गोलोक है, जो भी आपकी उपासना के अनुसार भगवान का धाम है, उस धाम में जाने की इच्छा हो तो श्रद्धा पूर्वक नित्य प्रति ऊर्ध पुण्य धारण करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों में ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि शरीर में जो अनेक नाड़ियां हैं, 75 करोड़ नाड़ियां शरीर में कही जाती हैं, और उनमें फिर घटाते 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 100 नाड़ी हैं, 100 में 10 प्रधान हैं और 10 में 3 प्रधान हैं, इड़ा पिंगला और सुषुम्ना। ये त्रिकुटी के मध्य जो है इड़ा पिंगला सुषुम्ना और इसी को संतों ने त्रिवेणी स्नान कहा, इसी को त्रिवेणी स्नान किया, ये त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती। तो इसमें इड़ा जो है वो गंगा है, पिंगला जो है वो यमुना है और सुषुम्ना सरस्वती है, ऐसा भी कहा जाता है।
तो सुषुम्ना मार्ग से जब प्राणोत्क्रमण होता है तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब सुषुम्ना मार्ग खुले और दूसरे मार्ग उनसे प्राण न जाए, ये होना चाहिए। ये कैसे होगा? तो नित्य प्रति जो यहाँ इड़ा और पिंगला ये नाड़ियाँ हमारे यहाँ हैं, तो हम जब उंगली से पुंड धारण करते हैं तो उनका मार्ग जो आगे तक जाता है वो बंद होता है, और मध्य में जब श्री धारण करते हैं, हरिद्राचूर्ण धारण करते हैं तो उससे, अथवा विजय श्री धारण करते हैं तो उससे क्या होता है कि वो सुषुम्ना मार्ग खुलता है, ऐसा भी महापुरुषों के मुखारबंद से हमने सुना है। इसलिए मृत्यु के क्षण में ऊर्ध्वपुंड यदि मस्तक पर विराजमान हो तो वह निश्चित भगवत धाम जाता है, क्योंकि उसके प्राण का उत्क्रमण सुषुम्ना मार्ग से ही होता है, ये एक विशेषता है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि ऊर्ध्वपुंड धरो मर्त्यो म्रियते यत्र कुत्रचित स्वपाकोपि विमानस्थो मम लोके महीयते। ऊर्ध्वपुंड धारण करने वाला मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड तिलक है और कहीं भी मृत्यु हो जाए, आवश्यक नहीं कि धाम में, धरती के किसी कोने में, शुचि अशुचि किसी प्रदेश में उसकी मृत्यु हो जाए, बस मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड यदि विराजमान है तो ऐसा चांडाल कुल में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति भी स्वपाकोपि विमानस्थ, विमान में विराजमान होकर के मेरे धाम को जाने का अधिकारी हो जाएगा, मम लोके महीयते। इसलिए महाराज जी लिखा है ऊर्ध्वगत्याम हि यस्येच्छा तस्योर्ध्वं पुण्ड्रमुच्यते। ऊर्ध्व लोकों में जाने की इच्छा हो तो ऊर्ध्व पुण्ड्र है, ऊर्ध्वं गत्वात् देवत्वं प्राप्नोति हि न संशयः। भगवान के नित्य धाम में जाकर भगवान के जैसा ही दिव्य सेवा के लिए उपयुक्त सच्चिदानंदमय देह, पार्षद देह इस जीव को प्राप्त हो जाता है। ऊर्ध्वं नयतित पुण्ड्रः पुण्ड्रं प्राणिनः पापकारिणः तस्याख्या ऊर्ध्वपुण्ड्रेति तस्मात् तद्धारयेत् बुधः। पापकारी मनुष्य को भी ऊर्ध्वगति की ओर ले जाता है, इसलिए इसको ऊर्ध्वपुंड्र कहा जाता है। महाराज जी यहां तक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि एक ही जन्म में कोई जीव मुझे प्राप्त करना चाहता है तो उसे श्रद्धा पूर्वक नित्य ऊर्ध्वपुंड्र धारण करना चाहिए। यह करो ऊर्ध्वपुंड्रंतु संध्या वंदन कर्मसु तेनाहम सुलभो ब्रह्मण एकस्मिन् एव जन्मनि। भगवान ने कहा एक जन्म में ही मैं उसे सुलभ हूं। यावत् जीवमिदं पुण्यं ऊर्ध्वपुण्ड्रं दधाति यः जन्मन्निरन्तरे मुक्तिं सद्यः प्राप्नोति दुर्लभाम्। वो जन्मांतर में प्राप्त होने वाली मुक्ति को सद्यः प्राप्त कर लेता है, ये ऊर्ध्वपुण्ड्र की बड़ी भारी महिमा है। यहां तक हमारे ग्रंथों में लिखा है भगवान का विधिवत मंदिर बनावे और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करे और भगवान की संपूर्ण राग भोग की व्यवस्था करे तो कितना पुण्य होगा? बहुत बड़ा पुण्य है, कोई सीमा है? हम लोग जब भगवान के विग्रह की प्रतिष्ठा का संकल्प हाथ में लेते हैं तो ये विद्वान ब्राह्मण संकल्प हाथ में देते समय संकल्प में बोलते हैं दस पूर्वान दशापरान एक विंशति पुरुषान उद्धर्तु कामः अमुक देवस्य प्रतिष्ठा कर्माहं करिष्येष इत्यादि प्रकार का संकल्प बोला जाता है। माने प्रतिष्ठा से 21 पीढ़ी, प्रतिष्ठाकर्ता की 21 पीढ़ी तर जाती है। केवल प्रतिष्ठा से मंदिर बनावे, पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करे तो वह 1000 गुना पुण्य उसका बढ़ जाता है, और राग भोग की व्यवस्था करे तब तो कहना ही क्या है। महाराज जी विधिवत मंदिर बनाकर प्रतिष्ठा करके राग भोग की व्यवस्था करके जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है वह पुण्य फल मात्र ऊर्ध्वपुंड धारण करने से वैष्णव को प्राप्त हो जाता है। अब बोलो द्वादश तिलक महात्मा लोग धारण करते हैं,
और तीन बार स्नान किया और तीन बार द्वादश तिलक धारण किया तो एक दिन में कितने मंदिर हो गए हैं? कितने हो गए? 36 हो गए। और जीवन भर करते रहे तो कितने हुए? इसलिए चित्रगुप्त से कहते, भैया इनका खाता वाता सब बंद कर दो, लेखनी में शक्ति ही नहीं इनके पुण्य के लेखन की। वैष्णव के पुण्य अनंत होते हैं, अक्षय होते हैं। ऊर्ध्व पुण्य की बड़ी भारी महिमा। एक भ्रम और है लोगों में, उसकी भी निवृत्ति कर देनी चाहिए। वो भ्रम क्या है? श्री किशोरी जी की जय हो। मिथिला के संत पूज्य श्री किशोरी शरण जी महाराज भी कृपा करके पधारे हैं सीतामढ़ी से। हाँ, एक भ्रम लोगों में है, उसका निराकरण कर दें। बहुत से लोग कहते हैं कि सोते समय मस्तक पर तिलक मत रखो। बहुत से लोग पूछते भी हैं, तिलक धो देते हैं। पर दास ने त्रिपुंड के संबंध में तो इस प्रकार का वचन पढ़ा है कि भाला त्रिपुंड्रम कंठात मालाम मुखात तांबूलम पर्यंकात प्रमदाम त्यजेत। ये सब बात शयन में लिखी है, लेकिन ऊर्ध्वपुंड्र के संबंध में दास को कहीं पढ़ने को नहीं मिला कि निद्रा के समय सोते समय ऊर्ध्वपुंड्र नहीं होना चाहिए, और सोते सोते पधार गए तो कम से कम तिलक के सहारे तो सदगति हो जाएगी। इसलिए तिलक निरंतर मस्तक पर रहना चाहिए। हम अपने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के साथ राजस्थान के एक गांव में गए। हमारे श्री गोविंददास जी को पता है, अपना स्थान है ना, अपना स्थान है ना सामोद में। क्या नाम है स्थान का? खेड़ापति। महाराज जी की कथा थी, दास भी गया था, खेड़ापति की बात। तो रात्रि को लगभग 1:30 बजे हम लघुशंका के लिए उठे तो हमने देखा एक महात्मा तिलक लगा रहे हैं। तो हमने उनसे पूछा, उनकी महाराज अभी तो 1:30 बज रहा है, तिलक कैसे, स्नान कर लिया? बोले नहीं नहीं गुरु भाई, हम भी थोड़ी देर पहले उठे थे, अपने राम उठे थे, तो हम वो दर्पण लगा हुआ था उसमें नज़र पड़ गई, तो हमारा तिलक नहीं है। तो हमने कहा तिलक पधरा लें। हमने कहा क्यों? सवेरे स्नान करते तो लगा लेते, अभी इतनी रात को लगाने की क्या आवश्यकता है? बोले कोई गारंटी है कि सोते सोते नहीं मरेंगे? कितने सोते सोते पधार जाते तो बिना तिलक के सूना माथा रहेगा तो पता नहीं कहाँ जाएंगे। तिलक रहेगा तो तिलक के नाते कम से कम ठाकुर जी की सन्निधि में तो पहुँचेंगे। तो मैंने महाराज जी को सवेरे ये बात बताई कि महाराज जी रात्रि को एक संत को ऐसे तिलक लगाते। हम ये सामोद की बात है, खेड़ापति हनुमान जी की। महाराज जी ने कहा इसे शिक्षा लेनी चाहिए कि तिलक सदा सर्वदा मस्तक पर रहे। हम लोग तो एक बार तिलक पधरा लेते हैं तो जब तक फिर स्नान न करें तब तक तिलक मस्तक से जाता नहीं है, और स्नान के बाद भी तत्काल जल का तिलक, आसन तक पहुंचने के पूर्व जल का ही तिलक धारण करना चाहिए, पर बिना तिलक के एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए। महाराज तिलक की ऐसी बात हमारे ग्रंथों में लिखी है कि ऊर्ध्वपुंड्र विहीनस्य श्मशान सदृशम मुखम, ऊर्ध्वपुंड्र विहीनस्य श्मशान सदृशम मुखम, मुखम तस्य विलोक्यैव ह्यादित्यन्तु विलोकयेत। जिसके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड्र तिलक नहीं है, श्मशान के समान उसका मस्तक है, बिना तिलक वाला मस्तक दिख जाए तो सूर्य भगवान का दर्शन करके पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। सूर्य नारायण दर्शन का प्रायश्चित लिखा है, सूर्य भगवान का दर्शन करके उस दोष का परिहार करना चाहिए। तो मृदाधार्यम सुमृदा विधाय वही कामदगिरी गोवर्धन आदि पर्वतों के शिखर की मृतिका गंगा यमुना सरयू आदि के
तट की, विल्व वृक्ष के मूल की, गोपी चंदन की, पवित्र जलाशयों की, यहाँ तक कि अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट धाम, मान लो कहीं की भी मृत्तिका उपलब्ध न हो और तिलक का सामान नहीं है आपके पास, मृत्तिका उपलब्ध ही नहीं है, तो तुलसी जी जहाँ विराजमान हो, तुलसी मूल की मृत्तिका महान तीर्थ मृत्तिका ही है, संपूर्ण तीर्थ तुलसी के मूल में निवास करते हैं, तो तुलसी वृक्ष के मूल की रज से ही अपने मस्तक पर तिलक धारण कर लेना चाहिए। इसलिए महाराज जी पद्म पुराण उत्तराखंड में लिखा है, पर्वताग्रे नदी तीरे विल्व मूले जलाशय सिंधु तीरे च वाल्मीके हरि क्षेत्रे विशेषता, पर्वताग्रे नदी तीरे मम क्षेत्रे विशेषता सिंधु तीरे च वाल्मीके तुलसी मूल माश्रिते मृद एताशु संपाद्या वर्जे त्वन्य मृत्तिका। इतनी प्रकार की मृत्तिकाएं वो ऊर्ध्व पुण्ड के लिए ग्राह्य हैं, पर चित्रकूट धाम की रज हो, अयोध्या जी की, मलयकूट पर्वत की रज हो, तब तो कहना ही है, गोपी चंदन हो तब तो कहना ही क्या है। नाम संस्कार के संबंध में दासांत नाम रखना चाहिए। दास शब्द जो है दो अर्थों में प्रसिद्ध है, दासः शूद्र सेवकयोः, एक तो चतुर्थ वर्ण के व्यक्ति के अर्थ में दास शब्द प्रसिद्ध है, दास संज्ञा प्रसिद्ध है, और एक सेवक, भगवान का सेवक। तो हमारे यहाँ वैष्णवों में जो दास शब्द लगता है, हम लोग भगवान के सेवक हैं, इस अर्थ में दास शब्द का प्रयोग किया जाता है। दास शब्द में दो अक्षर हैं, एक है दा और एक है सा, दास माने ददाति सद्यः मुक्तिंच तथा भुक्तिम विशेषतः तेन दासेति संप्रोक्तम सर्वागम विशारदई। द माने ददाति, स माने सद्यः, दो चीजें सद्यः मिल जाती हैं दास बनते ही, कौन कौन सी बोले, मुक्ति और भुक्ति दोनों मिल जाती है, मुक्तिम सद्यः विशेषता भुक्तिंच। देखो मोक्ष की प्राप्ति तो हो जाएगी पर भुक्ति का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि उपनिषद के अनुसार दो मार्ग हैं, श्रेय और प्रेय, प्रेय का त्याग करोगे तो श्रेय की प्राप्ति होगी वेदांत दर्शन के अनुसार। लेकिन वैष्णव धर्म की एक विशेषता है, यहाँ भुक्ति का त्याग नहीं करना, मुक्ति तो भगवान की शरण में जाते ही मिल गई, संसार चक्र से छूट गए, अब तो वैष्णव के लिए जो भी साधन है वो भगवत मुखोल्लासार्थ है, भगवान की प्रसन्नता के लिए साधन है, मुक्ति के लिए साधन नहीं है। मुक्ति तो जिस दिन राम जी की शरण हो गए, भगवान के दास बन गए, उसी दिन मुक्ति हो गई। अब एक वैष्णव को अपना कालक्षेप कैसे करना चाहिए वो है, और भुक्ति का त्याग नहीं करना है, मुक्ति मिल जाएगी, ददाति सद्यः मुक्तिंच तथा भुक्तिम भुक्ति भी, क्योंकि भोग भी भोग नहीं रह जाते, जब हम भगवान को निवेदित करने के लिए उन पदार्थों को ले जाते हैं उस काल में उनकी संज्ञा है भोग, और जब भगवान उसे अंगीकार कर लेते हैं तो भोग नहीं होता, फिर प्रसाद हो जाता है। मंदिर में जब थाल ले जाते तो क्या कहते, भोग जा रहा है, तो भोग है, और भोग लग के आए तो क्या कहते, प्रसाद। तो भोग तब तक है जब तक भगवान ने स्वीकार नहीं किया, भगवान ने स्वीकार कर लिया तो वह प्रसाद हो गया, और प्रसाद संसार के चक्र से छुड़ाने वाला है। भगवान ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव जी तुम क्यों रो रहे हो, बोले महाराज आपका विरह हम एक क्षण भी सहन नहीं कर सकते, इसलिए स्वधाम नय माम अपि, मुझे अपने धाम ले चलो। भगवान ने कहा तुम भी हमारे साथ चले चलोगे तो वैष्णवों का आश्रय क्या रह जाएगा, वैष्णवों को तो धैर्य नहीं रहेगा, उनको धैर्य बंधाने के लिए एक तो चाहिए, क्या तुम्हें मेरी माया से भय है, क्यों रो रहे हो। तो उद्धव जी ने कहा भगवान मुझे आपकी माया से बिल्कुल भय नहीं, क्यों, हमने आपकी माया को जीत लिया, अरे
अत्यंत दुर्गम माया को आपने कैसे जीता? तो महाराज जी भगवान कह रहे हैं श्री उद्धव जी महाराज, त्वय्योपभुक्त सृग गंध वासोलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजनो दासास तव मायाम जय मई। हे भगवान, त्वय्योपभुक्त सृग आपकी प्रसादी माला, आपका प्रसादी चंदन, आपके प्रसादी वस्त्र, आपके प्रसादी अलंकार, इनको धारण करके हम वैष्णवों ने आपकी माया को जीत लिया है। ये माया को जीतने का साधन है भगवत प्रसाद। अब देखिए एक बड़ी बारीक बात बतावें, सन्यासी का धर्म है कि वो भिक्षा ले, कहाँ कहाँ भिक्षा ले, किन घरों में भिक्षा ले, उसकी भी विधि है, वो अलग विषय हो जाएगा इसलिए उसकी चर्चा हमें नहीं करनी। कहाँ भिक्षा लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए, वो सब भी विधि है। कब लेना चाहिए, भिक्षा का समय क्या है, चूल्हा चक्की का स्वर बंद हो जाए, ओखली कूटने का, धन कूटने का स्वर बंद हो जाए, और घर का धुआं, चूहा चूल्हे चक्के का धुआं शांत हो जाए, अब गृहस्थ ने सब ने भोजन कर लिया, कोई बाकी नहीं रहा, तब दिन के तीसरे या चौथे प्रहर में सन्यासी भिक्षा लेने जाए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और वो भिक्षा लेके आवे तो किसी पवित्र जलाशय यथा किसी पवित्र नदी के पास आकर के वस्त्र के सहित भिक्षा पात्र को जल में दो बार पांच बार डुबावे, माने खंगल जाए वो, नमक मिर्चा वगैरह जो कुछ है सब, मीठा खट्टा चटपटा सब समाप्त हो जाए, केवल जल में भीज जाए भिक्षा, फिर कुछ जलचरों को कुछ स्थलचरों को दे करके फिर वो खाए। क्योंकि भुक्ति का त्याग बहुत जरूरी है, नहीं तो मुक्ति नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ वैष्णवों में ऐसा करते किसी को देखा है कि उसको लेके जल में डुबाओ, सब खंगाल लो तब खाओ? क्यों, हमारे यहाँ वो पदार्थ है ही नहीं, वो युगल सरकार का अधर सुधारस से मिश्रित, तो इसलिए प्रसाद का स्वाद लेना है, उसमें युगल प्रियालाल के अधरामृत के स्वाद का अनुभव करना है। अब वही आपने धो दिया पानी में तो रह क्या गया, थोक थोड़ी खाना है, भगवत प्रसाद लेना है, भगवत प्रसाद की महिमा है, पदार्थ बुद्धि से नहीं प्रसाद बुद्धि से। तो प्रसाद की बड़ी भारी महिमा है, वैष्णव प्रसाद सेवन करता है इसलिए वो मुक्त हो जाता है। प्रसाद क्या कहना, दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को यह, 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 देखत ही मन मोद बढ़ावत, देखत ही मन मोद बढ़ावत, परसत पाप हरत हिय को, परसत पाप हरत हिय को, पावत परम प्रेम उपजावत, पावत परम प्रेम उपजावत, उलवत भाव पुरुष प्रिय को, उलवत भाव पुरुष प्रिय को, भगवत रसिक भाम तो भूषण, भगवत रसिक भाम तो भूषण, चरण होत युगल जिय को, चरण होत युगल जिय को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, यह
दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को ये दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय प्रसाद प्रिया प्रिय प्रसाद प्रिया प्रिय को इसलिए ददाति सद्यः मुक्तिं च तथा भुक्तिं विशेषतः तेन दासेति संप्रोक्तम सर्वागम विशारदई। श्री हनुमान जी महाराज लंका में जाकर अपने को राम जी का दास कह रहे हैं। दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्या क्लिष्ट कर्मणः हनुमान शत्रु सैन्यानां निहंता मारुतात्मजः। मैं कौशलेंद्र भगवान श्री राम का दास हूँ, अक्लिष्ट कर्मा भगवान श्री राम का दास हूँ, शत्रु सैन्य का विनाश करने वाला माला तुलसी काष्ठ से निर्मित सुसंस्कृत भगवत प्रसादी युक्त जो माला है वो कंठ में धारण करनी चाहिए। और महाराज जी तुलसी माला का किसी भी अवस्था में त्याग नहीं करना चाहिए। तुलसी काष्ठ संभूता कंठ लगना सुसंस्कृता गुरु प्रदातु या माला न त्याज्या कदाचन। तुलसी काष्ठ युक्त जो कंठ संलग्न माला है गुरुदेव के द्वारा दी गई है उसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। स्कंद पुराण में लिखा है तुलसी काष्ठ मालाम तु प्रेतराजस्य दूतका दृष्ट्वा नश्यन्ति दूरेण बातोद्भूतम यथा वलम। कहते महाराज जैसे वायु के वेग से फूलों की पंखुड़ियां दूर चली जाती हैं उड़ जाती हैं ऐसे ही जिसके कंठ में तुलसी माला है उसको देखकर यमराज के दूत दूर से ही भाग जाते हैं। तुलसी माला धारण करते समय तुलसी काष्ठ संभूते माले विष्णु जनप्रिये विभर्मित्वामहं कंठे कुरुमाम राम वल्लभम इस मंत्र से तुलसी माला अपने कंठ में धारण करनी चाहिए। विष्णु जनों को अत्यंत प्रिय हे तुलसी आप श्री राम वल्लभा हैं हम आपको कंठ में धारण कर रहे हैं आप हमारा कल्याण करें। यथा त्वं वल्लभा विष्णोर नित्यं विष्णु जनप्रिया तथा मांकुरु देवी त्वं नित्यं विष्णु जनप्रियम। जैसे आप भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय हो ऐसे ही मैं भी भगवान का अत्यंत प्रिय बन जाऊं ऐसी कृपा हे तुलसी आप करो। महाराज जी लिखा है कि स्नान कले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी सुभा सर्व तीर्थेषु स्नातम भवति तेन संशया। स्नान के समय तुलसी का एक दाना भी शरीर पर रहे और उसको छू करके जब शरीर से जल का स्पर्श होता है तो संपूर्ण भूमंडल के तीर्थों में स्नान का पुण्य उसे प्राप्त हो जाता है। यहां तक लिखा है कि तुलसी कंठ में है और प्रसाद पाता है तो लिखा है सिखते सिखते तुलवते बाजमेध फलम मुने एक एक कण पर अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। यज्ञोपवीतवत धार्या कंठे तुलसी मालिका क्षणार्धम तद्विहीनोपी विष्णु द्रोही भविन्नरः। यज्ञोपवीत जैसे ब्राह्मण को द्विजाति को श्रद्धा पूर्वक यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए यज्ञोपवीत विरहित हो जाए तो जब तक दूसरा यज्ञोपवीत धारण न कर ले तब तक उसे कुछ खाना पीना भी बोलना भी नहीं चाहिए। ऐसे ही वैष्णव को कंठी न रहे तो जब तक दूसरी तुलसी धारण न कर ले तब तक अन्न जल आदि नहीं ग्रहण करना चाहिए बोलना भी नहीं चाहिए चलना फिरना भी नहीं चाहिए। इसलिए तुलसी सदा हमारे यहाँ तो महात्मा लोग जटा में तुलसी का हीरा पधरा लेते हैं तो और कहीं से निकल जाएगी जटा वाली तुलसी तो जल्दी निकलती नहीं तुलसी तो रहेगी। तुलसी कान में धारण कर लेते हैं कान में तुलसी धारण करने की भी बड़ी महिमा है। तुलसी का संपर्क संबंध निरंतर बना रहना चाहिए।
तुलसी काष्ठ से भगवान को नैवेद्य तैयार करे, भगवान का नैवेद्य तैयार करे और प्रेम से भगवान को भोग लगावे। तो महाराज जी पुराणों में लिखा है 1000 वर्ष का भोग धरने से भगवान को जैसी तृप्ति होती वैसी तृप्ति एक बार भोग धराने से हो जाती, 1000 वर्ष के लिए भगवान तृप्त हो जाते। इस बार जगन्नाथ पुरी थे रथ यात्रा वाले दिन, तो परसों की बात, एक प्रेमी वैष्णव ले आए तुलसी सूखी बहुत। तो हमने कि बहुत अच्छा अवसर है, जगन्नाथपुरी में अपने ठाकुर जी का जो स्थान है उसमें जगन्नाथ जी विराजे हैं इस बार, तो हमने कि जगन्नाथ जी को भोग धरा दें तो 1000 साल का भोग हो जाएगा। तो तुलसी खूब आ गई थी, तो एक वैष्णव संत से उन्होंने बड़े प्रेम से नाम जपते हुए खीर बनाई। 30-35 किलो तुलसी की लकड़ी थी, तो खूब सुंदर मिट्टी की मटकी में खीर बनी, वेद लक्षणा भारती देसी गाय के दूध के, और ठाकुर जी को भोग लगा। तो वैसे तो खीर बनती ही है, लेकिन वो जो खीर थी उसमें एक विलक्षण अपूर्व स्वाद अपूर्व सुगंध, तो लगता था कि हाँ जगन्नाथ जी ने बड़े प्रेम से तुलसी काष्ठ की अग्नि से निर्मित और नैवेद्य को भगवान ने अंगीकार किया। हमारे तो तृप्ति ही नहीं हो रही थी, तो हम तो बेईमानी भी की, कम से कम 2 कटोरा भर के पिया हमने, सबको एक एक मिले हमको तो डबल मिलना चाहिए। बहुत दिव्य खीर। तुलसी काष्ठ के संबंध में लिखा है कि तुलसी की सूखी लकड़ी में यदि आहुति दे तो एक एक तिल एक एक चावल एक एक यौ पर अश्वमेध यज्ञ के पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे तुलसी के काष्ठ में आहुति देने की बड़ी महिमा है। शरीरम दह्यते येषाम तुलसी काष्ठ वह्निना न तेषाम पुनरावृत्ति विष्णु लोकात कथंचन। शास्त्रों में लिखा है जिनके दाह संस्कार के समय तुलसी काष्ठ का प्रयोग किया जाता है वो लौटकर भगवान के धाम से कभी धरती पर नहीं आते। तुलसी की इतनी महिमा है कि हम उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं है। पद्म पुराण में लिखा है या दृष्टा निखिलाघ संग समनी स्पृष्टा बपुष्पावनी। तुलसी दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का नाश करती है। या दृष्टा निखिलाघ संग समनी स्पृष्टा बपुष्पावनी, स्पर्श मात्र से देह को पवित्र कर देती है। इसलिए जब तक तुलसी कंठ में न हो तब तक भगवत विग्रह का स्पर्श नहीं करना चाहिए, भगवान की सेवा भी नहीं करनी चाहिए। हमने अपने वृंदावन में श्री रंगनाथ मंदिर है, वहाँ के जो आचार्य वैष्णव हैं उनसे एक दाक्षिणात्य वैष्णव से हमने पूछा, हमने कही कि आप लोग भगवान के मंदिर में पंचमाला तुलसी की धारण करते हैं, सतत तो तुलसी निरंतर तो धारण नहीं करते हैं, लेकिन पूजा के समय तुलसी धारण क्यों करते हैं? मैंने ऐसे जिज्ञासा के भाव से पूछा, तो उन वैष्णव ने ये बताया कि बिना तुलसी के भगवत विग्रह की सेवा का अधिकार नहीं है। हम लोग हमेशा तुलसी धारण नहीं करते, अशुचि अवस्था में तुलसी न रहे पवित्र अवस्था में, इसलिए जप करेंगे पाठ करेंगे होम करेंगे भगवान की सेवा करेंगे तो तुलसी धारण। कितनी सुंदर बात है। तो तुलसी की बड़ी भारी महिमा है। तुलसी भगवान को अत्यंत प्रिय है, तो तुलसी जो है धारण करनी चाहिए। दासांत नाम में कोई सिद्ध पुरुष किसी भी नाम से प्रसिद्ध हो गए हों सिद्ध हो गए हों तो उनकी बात तो बिल्कुल अलग है, लेकिन नामकरण संस्कार के समय दासांत नाम रखते समय या तो भगवान के किसी अवतार का वाचक नाम हो, भगवत वाचक नाम हो, अथवा भगवान के विशुद्ध भक्त का वाचक नाम हो, इस नाम से ही
क्योंकि तस्मिन तज्जने भेदाभावात्, इसलिए भगवान और भगवान के जनों में भेद का भाव है। तो भगवत संबंधी नाम या भक्त संबंधी दासांत नाम होना चाहिए। हैं, अब कहो हम लड्डू दास रख देंगे, कचौड़ी दास रख देंगे, गुलाब जामुन दास रख देंगे, हैं, तो वो कोई सिद्ध हो जाए बात अलग है, लेकिन वह विधि नहीं है। विधि तो विधिवत जो भगवत भगवान नाम और उसके पीछे दासांत नाम, यही होना चाहिए। मंत्र संस्कार इसके बाद है। मंत्र स्यात् सर्वागौह निवारण, मंत्राजित प्रोक्त सर्वेशाम उत्तमोत्तमा, रामोत्तर तापनि उपनिषद में लिखा हुआ है। और तुलसी धारण करावे तारक मंत्र, द्वय मंत्र, शरणागति मंत्र, ये सब प्रदान करके फिर दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एवं महान भागवत सुसंस्कृतो रामस्य भक्तिं परमां प्रकुरयात् महेंद्र नीलास्मरुचे कृपा निधे श्री जानकी लक्ष्मण संयुतस्य वै। आचार्य चरण कह रहे हैं इस प्रकार से पंच संस्कार संपन्न हो करके श्री जानकी लक्ष्मण जी के सहित जो उज्ज्वल नीलमणि की कांति को भी विलज्जित कर रहे हैं, ऐसे कृपा निधान भगवान श्री राम की मंगलमयी भक्ति करनी चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यही एक दो श्लोकों का संक्षिप्त स्मरण करके हम प्रकरण को प्रणाम करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।